पे हम लोग इलाकों में यूसी वाइज हर सिस्टम दिया जा रहा है, हर जगह हर घरों में स्प्रे करा जा रहा है। वही आज मुझे बहन है कि गाड़ियाँ घूम रही हैं और मेरे साथ भी वैसे कि सूर्या था चक्कर लगा के उन्होंने भेजा, तो ताकि सारे इलाकों में हम ये काम करा सकें, ताकि इलाकों में अपने अपने इलाकों में सफाई सुथरा किया, शहर को हम अपने साफ सुथरा रखें। और जैसे कि आप ये देखें कि पक्के कपड़े का इलाका है, चाहे बजाय पक्के कपड़े को हम जितने जितने इलाकों में जा रहे हैं, हम सारे इलाकों को हम साफ सुथरा रखना चाह रहे हैं, ताकि इससे जो बीमारी आएगी अभी उससे हम दूर रह सकें। और लोगों को भी ये याद देंगे कि लोग का ज़्यादातर अपने घरों में रहें, ताकि ये जितना हो सके सेफ साइड रहे, वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है कि आगे जाके हमारे कोई परेशानी ना आए। कहाँ तक कराएंगे कह रहा है? ये नीचे इंशाल्लाह ताला ये हमारा फायर ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड के बाद हमारा गिलास मार्केट है पूरा रोड। अच्छा। ये हम दोनों की यूसी हैं, आसिफ भाई, आसिफ जी भाई, आसिफ मेहमान साहब, ये 45 के चेयरमैन है, मैं यूसी 46 के चेयरमैन, आसिफ बेग है। तो हम दोनों की मुश्किल का कोशिशों से ये काम हो रहा है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह ताला आगे भी कोई ना कोई इस तरह के काम राशनों का और ये सामान का इस तरह अमल का जारी रहेगा। अच्छा, ये आसिफ भाई आप क्या बताएंगे, यूसी बताइएगा अपना? मेरी यहाँ के लोग इस चीज़ से बहुत परेशान थे, हम मेयर हैदराबाद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी दरख्वास्त के ऊपर और यहाँ पे ये स्प्रे करवाया है। और इस तरीके से स्प्रे से हम लोगों को दिनों में जो खौफ आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। हम लोगों को यही कहेंगे कि अपने घरों में बैठेंगे, वायरस बहुत खतरनाक है, लिहाजा अपने बच्चों से अपने आप से मोहब्बत करें, अपने घरों में बैठें, इस वायरस को संजीदगी से लीजिए, इसका वाहिद इलाज अपने घरों में बैठना है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अपनी यूसी में जो कुछ हो रहा है, जैसे कुछ हो रहा है, अपनी मदद आप तेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह यूसी की तरफ से भी जो कुछ हो सके हम करेंगे। हम आप तमाम शायर ब्रिगेड के हमले के तमाम लोगों के शुक्र गुजार हैं जिन्होंने इस वक्त के अंदर ये कोशिश काफ़ी जमाया साथ की। ये क्लोरीन का स्प्रे कराया जा रहा है, मेले इलाका के इलाकों का भी जो है सबों के बाद मौजूद थे, और इस वक्त जो है क्लोरीन का इस्तेमाल जो है पूरी दुनिया के अंदर किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये अभी नीचे उतरेंगे यहाँ से फकीर के पेड़ से फिर ये किलात मार्केट की जानी निकल जाएंगे और किलात मार्केट की तरफ जाकर जो है स्प्रे करेंगे। तो इस किस्म के स्प्रे जो है हैदराबाद की दीगर यूसीज में भी होने चाहिए, लतीफाबाद में और दीगर यूसीज के अंदर, क्योंकि अभी कल जो हमने देखा कासमाबाद के अंदर भी जो है स्प्रे कराया गया था, लेकिन लतीफाबाद के अंदर कोई स्प्रे नहीं हुआ इस किस्म का। तो लतीफाबाद में भी जो है इस किस्म का जो है स्प्रे होना चाहिए, और इस स्प्रे से जो है जरासीम जो है वो मरते हैं, स्पेनेशन होती हैं, और स्पेसिफिक क्वान्टिटी के अंदर जो जरासीम है वो मर जाते हैं। दूसरी जानब आप देख सकते हैं कि बाजार भी जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया है, पुलिस भी गश्त कर रही थी अभी कुछ देर पहले। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये पूरा खाने पीने का बाजार है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो अशिया ज़रूरियाँ मिलती हैं। 5 बजे का हुक्म दिया था वज़ीर आला ने कल, और कल जो नोटिफिकेशन आया था उसके मुताबिक पेट्रोल पम्प और अशिया ज़रूरियाँ और तमाम तर चीज़ें सिर्फ मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल वो खुले रहेंगे, लेकिन वो मेडिकल स्टोर जो अस्पताल के बिल्कुल बराबर में है वो भी खुले रहेंगे। तो अगर दूसरा इसमें जो आम मुद्दा वो ये था कि क्लोरीन का, तो लतीफाबाद में भी जो है इस किस्म के क्लोरीन के जो है वो होना चाहिए, और जिस तरीके से कासमाबाद में हुआ आज सिटी के अंदर हो रहा है। तो मेयर हैदराबाद ने भी उस दिन बात करते हुए हमें यही बताया था K21 को कि जनाब मैं जल्दी जो है सेहत और सफाई के हवाले से जो है इकदाम करूँ।